सिमरिया में आगामी नवरात्र और दशहरा पर्व त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। तहसीलदार सिमरिया कैलाश पटेल और थाना प्रभारी संदीप दीक्षित की उपस्थिति में बैठक की गई, जिसमें थाना सिमरिया क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार उपस्थित रहे। आगामी पर्व नवरात्रि में जगह जगह लगने वाली देवी पंडाल के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित आम जनों के सामने थाना प्रभारी संदीप दीक्षित द्वारा अपील की गई कि विद्युत लाइन के नीचे देवी पंडाल का निर्माण न करें एवं रात्रि के समय दुर्गा समिति से कि कोई न कोई सदस्य मौजूद रहे, जिससे कोई भी अप्रिय स्थिति या घटना घटने के पहले उस पर काबू पाया जा सके। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कस्बा एवं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की गई। सुझाव प्राप्त किए गए, विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त समस्या के निदान हेतु ग्रामीण जनों को आश्वस्त किया गया। बैठक में आसपास के ग्रामों के जनप्रतिनिधिगण सहित गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। और आज शांति समिति की बैठक हुई आपके थाना परिसर में, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, कैसे सावधानी रखें, पंडाल वालों को भी आपने कुछ नियम बताए कि पंडाल वाले नियम को पालन करें, 18 वर्ष से कम जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, विसर्जन का ध्यान रखें, इन संबंध में सारी चर्चा हुई सर, कृपया बताएं प्लीज। हाँ, ये हमारा मुख्य पॉइंट ये रहा है कि जहाँ भी पंडाल रखे जा रहे हैं उनकी अनुमति प्राप्त कर लें और उसमें खास ध्यान रखें कि जो पंडाल स्थापित हो रहे हैं वो कोई भी बिजली खंभों के पास में या ज्वलनशील पदार्थ जहाँ पे है वहाँ ना रखे जाएं, और साथ ही उसमें सुरक्षा के लिए जो है एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें कि जो समिति सदस्य हैं वो प्रतिदिन कम से कम 2 लोगों की रात्रि में ड्यूटी रहेगी जो कि पंडाल में उपस्थित रहेंगे और उसकी रजिस्टर रखा जाएगा जिसको जाकर के पुलिस कर्मचारी ड्यूटी रहेगी बीट वाइज जो है वो जाकर के चेक करेंगे और उनकी उपस्थिति को कम से कम रात में 2 बार देखा जाएगा कि उपस्थित हैं या नहीं। विसर्जन का भी आपने बोला जल्दी विसर्जन करें लोग टाइम से। हाँ, विसर्जन का क्योंकि जितना रात्रि का समय होता है तो उसके बाद नदी या जो विसर्जन स्थल है उन पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो लाइटिंग आदि की व्यवस्था तो हम पर्याप्त रखेंगे, गोताखोर भी रखेंगे, लेकिन ये हमारी अपील है कि विसर्जन का समय जो है यदि जितना जल्दी हो सके, सूर्यास्त के बाद जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा रहेगा। धन्यवाद सर। और बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई, थाना प्रभारी ने भी कहा कि 18 वर्ष से जो मतलब जिनकी उम्र कम है वो लोग वहाँ विसर्जन में न जाएं और सावधानी बरते, कृपया संबंध बताएं। हाँ, हमारी मीटिंग हुई, हमारे जज साहब ने बताया और मैंने भी बताया और सभी की तरफ से विषय बिंदु भी आया कि माइनर्स को, नाबालिगों को हमें पानी के पास नहीं ले जाना है, जहाँ जहाँ विसर्जन स्थल स्वीकृत किए हैं या जो हमने सहमति पूर्वक चयन किए हैं उनमें नाबालिग और माइनर्स वगैरह नहीं ले जाने हैं और ना जाएंगे और हम उस पर खास नजर रखेंगे। धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिमरिया से मोहम्मद जाफिर अली की रिपोर्ट।